अब आता है टॉपिक नंबर डी, जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल कंसर्न्स। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो 1970s में जो है इनिशिएट हुआ, जो भुट्टो के दौर में हुआ था। ये जो है वो जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तब पाकिस्तान ने जो है वो अपना न्यूक्लियर जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें फेमस जो है वो भुट्टो का जो कोट है वो ये है कि वी ईट ग्रास बट वी मेक अ बॉम्ब, मतलब कि हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो जो जो हमारा दुश्मन मुल्क था उसके पास न्यूक्लियर आ चुका था, तो हमें भी अपने लिए बनाना था। फिर पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो हैं वो जो 165 न्यूक्लियर वार हेड्स पाकिस्तान ने बनाए हैं, और ये 6 लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जो है वो वर्ल्ड में कहा जाता है। फिर है इंटरनेशनल कंसर्न्स जो थे वो पाकिस्तान के लिए कौन से थे या कौन से कॉजेज थे। सबसे पहला जो इंटरनेशनल कंसर्न बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए था, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो अपनी फर्स्ट यूज़ पॉलिसी जो है वो बनाई है कि अगर हमें कोई भी थ्रेट फील होगा तो हमने फर्स्टली जो है न्यूक्लियर को यूज़ करना है। तो न्यूक्लियर के थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तभी उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया जो है वो इस इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इसके बारे में कंसर्न है कि ये नुकसान ना हो। सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में पाकिस्तान ने जो है वो अपने दिखाया है कि न्यूक्लियर जो है हमारा बिल्कुल ही सिक्योर जगह पर हमने इसको रखा है, और इसकी किस तरह से इसको सेफगार्ड कर रहे हैं हम, ये भी चीज़ें जो है वो हम इंटरनेशनली दिखाई है। फिर आती है इंटरनेशनल सैंक्शंस। इंटरनेशनल सैंक्शंस जो हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ को जो है वो जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान पे सैंक्शंस इम्पोज की हैं, क्योंकि ये जो है वो कोई मतलब कि फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तो वैसे भी पाकिस्तान की है, तो सैंक्शंस लगाने की वजह से पाकिस्तान जो है वो मतलब कि वर्ल्ड जो है थोड़ा सा सिक्योर रहेगा कि पाकिस्तान जो है वो यूज़ ना करे इसको, न्यूक्लियर को। फिर आता है टॉपिक नंबर ई, रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशंस में जिसमें से ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो, और इसके अलावा जो पाकिस्तान का रोल इनमें क्या था वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सार्क, जिसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म ये है, पाकिस्तान ने जो है वो मतलब पाकिस्तान जो है वो 8th नंबर पे आता है जिसने सार्क को ज्वाइन किया। इसके अलावा जो है वो सार्क 1985 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका एम था कि रीजन में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो है वो प्रिवेल करनी है या प्रमोट करनी है। इसके बाद सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये जो है पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, विच वाज आल्सो एस्टेब्लिश इन 1985, ये भी 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन के लिए जो है वो ये बनाई गई थी, जो मतलब कि ये ओवरऑल जो है वो मिडिल ईस्ट से सेंट्रल एशिया में स्पेन हुई थी। फिर आती है लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पाकिस्तान जो है इसका फुली मेंबर है, और 2017 में जो है वो पाकिस्तान इसका फुली मेंबर हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि ये सबसे पहले किसी भी कंट्री को अगर अपना मेंबर बनाती है तो इसको ऑब्जर्वेशन जोन में रखती है कि ये जो है कंट्री अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सेट करती है नहीं करती, या अकॉर्डिंग टू उनके कुछ कंडीशंस के हिसाब से नहीं चलती, तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद ही उनको इंटर करते हैं। तो पाकिस्तान भी जो है वो इस ऑब्जर्वेशन पीरियड में था, लेकिन फिर उसको जो है वो ओवरऑल इसको फुली मेम्बर बना दिया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करके और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं रीजन में उनको सॉर्ट आउट करती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हों या सोशल या कोई भी और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स के प्रॉब्लम्स हों हैं।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और जो इसमें जो पाकिस्तान का रोल है, वो पाकिस्तान फुली इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो कोऑपरेट करता है, और जो भी इनको पाकिस्तान को जो भी चीज़ें या फॉर एग्जांपल अगर कोई टास्क दिए जाते हैं तो वो उनको फिलअप करने की कोशिश करता है और कामयाब भी होता है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर F जो है सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से जो है वो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, पाकिस्तान को फेस करने पड़ते हैं, और क्या उसकी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले जो है पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं उसने फेस किए हैं या कर भी रहा है अभी, जिसमें से सबसे पहला जो चैलेंज पाकिस्तान को आया है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट है किसी भी कंट्री के लिए, उसके डाउनफॉल के लिए भी। इसके बाद जो है पॉवर्टी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज में जो है हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन जो बेसिक नीड है हर शहरी की, तो ये जो है वो पाकिस्तान में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इसके साथ साथ, जिसमें से जो है वो फ़ायदा उठाकर हम जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं इंडिविजुअली चैलेंजेस को भी अलग से और अपॉर्चुनिटीज़ को भी। चैलेंजेस में से जो पॉवर्टी का चैलेंज है, पाकिस्तान जो है ओवरऑल 24% पॉपुलेशन उसकी जो है लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के बिलो वो जो है वो सफ़र करती है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो है प्रॉब्लम या चैलेंज जो कहा जाए, वो यंग पीपल में जो है वो अपनी एजुकेशन पूरी करके फिर कुछ प्रॉब्लम्स जिस तरह से कोई एक्सपीरियंस मांगता है, तो एजुकेशन के बाद इतनी जल्दी एक्सपीरियंस का जो है वो नहीं हो पाता। तो प्राइवेट सेक्टर में फिर जो है वो यंग जनरेशन, यंग पीपल जो है वो अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर जब तक वो पहुँचे फिर जो गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनका भी जो क्राइटेरिया है वो 30 से अबव या 35 से अबव जो है वो फिर नहीं मिलता। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिनमें से एम्प्लॉयमेंट के जो बेसिक या क्राइटेरियाज़ को जो है वो यंग पीपल्स पहुँच नहीं पाते। ठीक है, फिर है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में पाकिस्तान हैज़ हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी विथ वेल्थ कंसंट्रेटेड इन दी हैंड्स ऑफ अ स्मॉल एलाइट। तो इन वेल्थ इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है रूरल एरियाज़ में बहुत ही कम इस पर काम हुआ है, और जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है। तो कुछ चैलेंजेस भी जो हैं तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में जो है वो पाकिस्तान किन चीज़ों से फ़ायदा उठाकर अपना जो है वो चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है, जिसमें सबसे पहला जो है ह्यूमन कैपिटल। पाकिस्तान के पास जो है वो ह्यूमन कैपिटल की जो है एक नेमत कहें तो मौजूद है। तो ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें हाई रेट में है, तो उनको यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट जो है जहाँ पे कमी हो रही है या जहाँ पे कोई काम कम हो रहा है, तो जिस तरह से चाइना और इंडिया ने अपनी जो पॉपुलेशन है उनको काम पे लगाकर और अपने जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिक्रीज़ किया है, और बहुत ज़्यादा जो इनके प्रोग्राम्स हैं या जिस तरह से फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जहाँ पे कमी है, तो वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को यूज़ किया जा सकता है। ह्यूमन पोटेंशियल को मतलब कि एज अ जो ग्रोइंग फोर्स है उस तरह से उनको लगाया जा सकता है। फिर है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पाकिस्तान के पास जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसमें साउथ एशिया, पाकिस्तान जो है वो क्रॉस रोड पे है साउथ एशिया के, सेंट्रल एशिया के और मिडिल ईस्ट के। तो पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्टेंट हब ट्रेड और कॉमर्स के लिए बन सकता है। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाते हुए मतलब कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एज वेल एज उसकी जो ह्यूमन कैपिटल है उनको भी काम इस पर करना है। फिर है मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना है। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में पाकिस्तान के पास कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, और उसके जो मिनरल्स हैं जिसमें से कॉपर और गोल्ड है, तो इन सोर्सेज को भी यूज़ करके ट्रेड में या फिर अपने ही मुल्क के लिए कुछ चीज़ें
जो है वो अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो इन चीज़ों को यूज़ करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो इनके थ्रू हम लोन्स और दूसरी चीज़ों से भी बच सकते हैं। फिर है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। पाकिस्तान जो है वो एक लार्ज और ग्रोइंग यूथ पॉपुलेशन है जो रिप्रेजेंट करता है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड को।